हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज हम बनाएंगे चीज समोसा और इसे बिना फ्राई किए ही बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चीज समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, 2 कप मैदा, इसी कप से हमने नाप के लिया है। और हम लेंगे चीज, 1 छोटी प्याज है, 1 छोटा गाजर है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये हरी धनिया इसको भी हमने चॉप कर लिया है। तो पहले हम मैदे में डाल देंगे नमक, 1/2 छोटा चम्मच नमक। और मोयन के लिए इसमें डालेंगे 4 छोटे चम्मच ऑयल। और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोयन को चेक कर लेंगे, ऐसे ये बाइंड सा होने लगेगा, मतलब इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंथ लेंगे, जैसे हम पूरी का आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे गूंथना है। बहुत सॉफ्ट रोटी जैसा इसे नहीं गूंथना है। ये आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, तो इसको हम रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है चीज, मोजरेला चीज, और चीज स्लाइस जो होती है उसे भी हमने मिक्स कर लिया है 1 बाउल भर के, ये हमने लिया है। और चीज में हम डाल देंगे प्याज जो हमने बारीक चॉप करके रखी है, कैरेट, गाजर, अब इसमें डाल देंगे हरी धनिया बारीक चॉप की हुई। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे चुटकी भर नमक और 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। नमक ज्यादा नहीं डालना है, प्याज और जो गाजर हमने डाली थी उसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ डाला है, क्योंकि चीज में नमक ऑलरेडी होता है। अब इसे रख देंगे हम साइड में और समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके पेड़े काट लेंगे। पेड़े थोड़ा बड़े बड़े ही काटना है, क्योंकि एक पेड़े में 2 समोसे बनाने हैं। इसमें लगभग 8 पेड़े हमने काट लिए। अब बेलेंगे इसे, तो इसे हमें ओवल आकार में बेलना है। बेलते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कहीं से फटे ना। यदि आपने आटा बिल्कुल ही परफेक्ट साना है तो ये बिल्कुल ही नहीं फटेगा और आसानी से बेल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बेल रहा है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसे बेलने में। अब इसे एक नाइफ की सहायता से 2 हिस्सों में हम काट लेंगे। फिर एक पार्ट को लेंगे, थोड़ा सा इसे बेलन की सहायता से इसके एजेस को पतला कर देंगे और इसे हम समोसे का आकार देंगे। अब इसके एक सिरे को उठाकर हम बीच से मोड़ देंगे, फिर दूसरे सिरे को उसी के ऊपर रख के फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से चिपका देना है। फिर इसमें स्टफिंग भर देना है। स्टफिंग 1 से 1.5 चम्मच इसमें भर जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं भरना है, तो लगभग 1.5 चम्मच इसमें हमने स्टफिंग भर दी। और पीछे एक प्लेट बना के इसको आपस में ऐसे चिपका देना है। आप चाहिए तो मैदे का घोल बनाकर या पानी से भी इसे चिपका सकते हैं। ये बनके तैयार हो गया मेरा समोसा, अब दूसरा बनाते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे समोसों को भी तैयार कर लेते हैं। बस इसे अच्छे से चिपकाना है जिससे ये बीच से खुले ना। इसमें भी स्टफिंग भर देंगे। आप पीछे प्लेट देंगे और आपस में जोड़ देंगे। ये भी बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे समोसों को बना लेते हैं। पहले
अब समोसों पर हम थोड़ा ऑयल ब्रश कर लेंगे, क्योंकि इसे आज हम एयर फ्रायर में बनाएंगे, फ्राई नहीं करेंगे। इसे बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। एयर फ्रायर को हमने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए और 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए इसे पकाना है। 10 मिनट के बाद आप चाहिए तो थोड़ा साइड चेंज करके 5 मिनट और पका लीजिए। टोटल 15 मिनट में ये बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसे हम एयर फ्रायर में अब अरेंज कर लेते हैं। तो टोटल मेरे बने हैं 16 समोसे, तो दो बार में इसे पकाएंगे हम, क्योंकि एक बार में ये पूरा नहीं आ पाएगा एयर फ्रायर में। अच्छे से इसे अरेंज कर लेना है। इसे हम अब प्री हीटेड एयर फ्रायर में 15 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। टाइम हमने सेट कर दिया 15 मिनट। और 200 डिग्री पे इसे हम पका रहे हैं आज। 15 मिनट बाद इसे हम फिर चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे क्रिस्पी लाल बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ये फ्राई किए हुए हैं। इसको हम प्लेट में एक निकाल लेते हैं। इस समय ये बहुत गर्म होते हैं, इसे सावधानी से निकालना है धीरे धीरे करके। सारे समोसों को हमने निकाल लिया, देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। और बाकी के जो समोसे बचे हुए हैं उनको हम सेकेंड बैच में पकाएंगे। तो चलिए इसे हम तोड़ के दिखा देते हैं। अंदर तक पूरी स्टफिंग आप देख सकते हैं, चीज भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और बिल्कुल ही क्रिस्पी समोसे बनके तैयार हो गए हैं बिना फ्राई किए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अगर आपका चीज समोसा खाने का मन हो और फ्राई भी नहीं खाना हो तो आप इस तरीके से इसे एयर फ्रायर में आसानी से बना सकते हैं, और सेम प्रोसेस से आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।